इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं स्किल्ड एंड ट्रेड टेस्ट के ऊपर। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस का अगर डिस्कस करेंगे इसके अंदर में वो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कहीं पे भी जब एग्जाम देने जाते हैं, जहाँ पर स्किल एंड ट्रेड टेस्ट के लिए जब जाते हैं, तब वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो आज का क्वेश्चंस क्या है, आज का टॉपिक क्या है, व्हाट आर द फैसिलिटी टू बी प्रोवाइड एट ए ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, एक ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह से आंसर देना है, किस तरह का पॉइंट्स आपको वहां पर बताना है, आइए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, फैसिलिटी टू बी प्रोवाइड एट ए ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। एक ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे, जथा निम्न में हम बता रहे हैं। बोल रहा है अकोमोडेशन, जो कि आवास होता है। नेक्स्ट बोल रहा है स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है, जो कर्मचारी वहां पर रहते हैं। तीसरा बोल रहा है ट्रेनिंग एड्स, जो कि पाठ्यक्रम की जो 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 तालीम का उपकरण होता है, ठीक है, जो कि तालीम उपकरण होता है। कोर्स मटेरियल क्या होता है, जो कि पाठ्यक्रम का सामग्री होता है। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ, जो तालीम देते हैं जो कर्मचारी का, उनका मनोभाव के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बता रहा है एटीट्यूड ऑफ ट्रेनिंग्स, ठीक है, जो प्रशिक्षार्थी जो होते हैं ना, जो ट्रेनिंग्स लेते हैं, उनका भी मनोभाव का प्रतिक्रिया उनको देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मैनेजमेंट रेस्पॉन्स, ठीक है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्स क्या होता है, जो कि प्रबंधन की प्रतिक्रिया कैसा होता है उसी को बोल रहा है। ठीक है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, ये क्या होता है, जैसे कि परीक्षा और पोस्ट टेस्ट की परीक्षा जो होता है। ठीक है, ये सब वहां पर फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है। आइए अभी विस्तार के रूप में हम समझते हैं। ठीक है, जो पहले हम डिस्कस किए थे अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में क्या क्या रहेगा, ठीक है, देखिए अकोमोडेशन में क्या क्या रहता है, जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर रूम रहता है, जो कि प्रशिक्षण अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी का जो रूम रहता है, उनको रूम प्रोवाइड करना चाहिए। क्या प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि प्रशिक्षण अधिकारी, जो सहायक अधिकारी का कक्ष, जो कि रूम उनको प्रोवाइड करना चाहिए। और क्या देना चाहिए, इंस्ट्रक्टर का रूम, ठीक है, जो प्रशिक्षक का कक्ष होता है वो, उसी को इंस्ट्रक्टर का रूम कहा जाता है। और वहां पे क्या रहेगा, ए लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम, ठीक है, एक पुस्तकालय या वाचनालय जो भी कहा जाता है, जो कि लाइब्रेरी, जहाँ पर आदमी बैठ के, जो भी स्टूडेंट्स, जो कि लाइब्रेरी कम पठन कक्ष जो होता है। ठीक है, आन ऑफिस स्टाफ कम रिकॉर्ड रूम, ठीक है, एक जो कि ऑफिस का कर्मचारी होता है, जो ऑफिस के कर्मचारी जो रहते हैं उनके लिए रूम रहेगा, जो उसमें भी रिकॉर्ड का वहां पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं एडिक्वेट नंबर ऑफ लेक्चर्स रूम, ठीक है, पर्याप्त संख्या के जो कि लेक्चर रूम वहां पर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं मॉडल रूम कम ट्रेनिंग शॉप, ठीक है, जो कि मॉडल रूम का ट्रेनिंग, जो वहां पर कुछ भी अगर कोई पर्सन बुक खरीदने के लिए चाहेगा तो वहां पर दुकान भी मौजूद होना चाहिए, मॉडल रूम कम ट्रेनिंग दुकान वो होना चाहिए। और बोल रहा है ट्रेनिंग गैलरी, ठीक है, जो कि तालीम देने का जो गैलरी होता है वही होता है। उस पर बोल रहे हैं स्टोर रूम, स्टोर रूम रहना चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट नंबर ऑफ टॉयलेट्स, ऑल रूम टू बी इक्विप्ड विथ रिक्वायर्ड फर्नीचर्स, ये बोल रहा है कि वहां पर सभी रूम में क्या किया जाना चाहिए, पर्याप्त संख्या के हिसाब से शौचालय की व्यवस्था किया जाए, और सभी रूम में आवश्यक जितने भी आवास पत्र को, जिसे सजा कर रखने के लिए जो फर्नीचर का दरकार होता है, वो सभी अकोमोडेशन के ऊपर में आना चाहिए। ये पॉइंट जो है अकोमोडेशन के ऊपर आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, जो कि स्टाफिंग, ठीक है, जो भी कर्मचारी रहते हैं, ठीक है, वो कर्मचारी का बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर्मचारी क्या क्या रहते हैं आइए देखते हैं। पहला बोल रहा है फर्स्ट क्लास मैनेजर ओवरऑल इंचार्ज, जो कि फर्स्ट क्लास मैनेजर रहते हैं वो ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। एडिक्वेट नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर हैविंग डिग्री इन माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये बोल रहे हैं
पर्याप्त संख्या प्रशिक्षण अधिकारी का सहायक प्रशिक्षण अधिकारी जिसमें पास खनन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री वो लोग हासिल किए होना चाहिए। ठीक है, आर्क्यू नंबर ऑफ ट्रेंड इंस्ट्रक्टर एट एटलीस्ट डिप्लोमा इन माइनिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये बोल रहा है जो कि इंस्ट्रक्टर रहेंगे, वो इंस्ट्रक्टर के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा का माइनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैकेनिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि जो इंचार्ज रहेगा उसके पास फर्स्ट क्लास रहेगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रहेगा जो ओवरऑल इंचार्ज रहेगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है जो कि ट्रेनिंग अफसर रहेंगे, असिस्टेंट ट्रेनिंग अफसर रहेंगे, उनके पास डिग्री माइनिंग का होना चाहिए, मैकेनिकल का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है जो कि जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहते हैं वहाँ पर उनके पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैकेनिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओवरऑल इंचार्ज कौन रहता है वहाँ पर, जो असिस्टेंट ट्रेनिंग अफसर रहते हैं या ट्रेनिंग अफसर जो रहते हैं उनका पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वहां पर उनका क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं एडिक्वेट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सेफ्टी मैंडेट ट्रेनर्स फॉर एच स्पेसिफाइड ऑफ स्किल जॉब, ये बोल रहे हैं। पर्याप्त संख्या प्रत्येक विशिष्ट या कुशल नौकरियों के लिए अनुभवी और सुरक्षा विचारधारा वाले व्यक्ति प्रशिक्षण की जरूरत होता है। ठीक है, जो कि प्रजा संख्या के विशेष कीमत जो कि एक्सपीरियंस जिसके ऊपर सेफ्टी के ऊपर मतलब वो हमेशा सोचते रहते हैं, सेफ्टी के बारे में उनको अच्छा खासा नॉलेज रहता है, उस पर्सन वो होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्टर रहते हैं उनका अच्छा खासा उनका नॉलेज होना चाहिए किस क्षेत्र में, जैसे कि सेफ्टी का क्षेत्र में उसी को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एडिक्वेट सबऑर्डिनेट स्टाफ, ये क्या होती है, पर्याप्त अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, पर्याप्त अधीनस्थ कर्मचारी ये होते हैं। ठीक है, स्टाफिंग में ये सब आते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग एड्स, वहां पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है वहां पर उनको किस माध्यम से दिखाया जाएगा, जैसे कि आवश्यक जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं, साइड प्रोजेक्टर और टीवी वीसीडी रिसीव प्लेयर, ये सब वहां पर देना होगा ताकि ट्रेनिंग उनको अच्छा से और दिखा सके, समझा सके। ओके, नेक्स्ट आता है कोर्स मटेरियल। ठीक है, कोर्स मटेरियल में क्या क्या रहना चाहिए, स्टडी मटेरियल टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल ट्रेनिंग कोर्स व्हिच इज रेगुलरली टू बी अप टू डेट एंड कॉपी ऑफ व्हिच टू बी प्रोवाइड आउट टू ऑल इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर्स एज वेल एज टू ऑल ट्रेनिंग्स वेदर रिलेटेड और नॉट, ये बोल रहा है सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री तैयारी की जानी चाहिए जिससे नियमित रूप से अद्यतन किया जाना है, और इसकी प्रतिलिपि सभी प्रशिक्षकों को साथ साथ सभी प्रशिक्षकों को प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वो साइकिल दो या नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है कि जितने भी समस्त पाठ्यक्रम के लिए जो प्रस्तुत किया गया अध्ययन सामग्री होता है इसको नियमित भाव से अपडेट होना चाहिए। ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट्स रहता है, स्टडी मटेरियल का रहता है, उसको अच्छा से पढ़ाई करने के लिए अच्छा से उसको जो भी जितने भी रहता है उसको अच्छा से आपको अपडेट करना चाहिए। इसका नकल जो होता है ना, सभी प्रशिक्षक के पास वो जो प्रशिक्षार्थी आते हैं उनको प्रदर्शन करना चाहिए। जो भी कोर्स मटेरियल रहता है, जो भी उनको पढ़ाई किए हुए हैं, जितने भी उनको आपने स्टडी दिया हुआ है, उसका अच्छा एक एक कॉपी उनको भी देना चाहिए कि किसके ऊपर डिस्कस हुआ था, क्या क्या डिस्कस हुआ था, वो सारे के सारे जो कि अपडेट करके उनको देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एटीट्यूड ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ, जो ट्रेनिंग स्टाफ का मनोभाव कैसा होता है, ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं, ट्रेनिंग कर्मचारी होते हैं, उनका मनोभाव कैसे होता है ये बता रहा है। टू इंश्योर दैट द ट्रेनिंग स्टाफ मोस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, ईच ऑफ देम शुड बी रिक्वायर्ड टू
टू अटेंड क्लास ऑन मैनेजमेंट आज वेल नो इम्प्रूवमेंट ऑन टीचिंग स्किल। ए लॉट ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन हैंड्स और नोट द जब ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस वेल ट्रेंड एस द प्री माइंडेड ट्रेनर फॉर एवरी स्किल ऑपरेशन। ये बोल रहा है यस सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण स्टाफ में सकारात्मक श्रोता होना चाहिए, उनमें से प्रत्येक की प्रबंधन के साथ साथ शिक्षण कौशल के सुधार पर ट्रेनिंग लेते हैं वो ध्यान देंगे कि उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि वो जैसे अच्छा से समझ लें, उनको पिक्चर और पोस्टर के माध्यम में वीसीडी प्लेयर के माध्यम से उनको दिखाया जाए ताकि वो अच्छा से उनको समझ में आ जाना चाहिए। उसी को ये बोल रहा है कि जितने भी ट्रेनिस रहते हैं उनको पूरा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्र में जीवंत उदाहरणात्मक ये होना चाहिए, जैसे कि वीसीडी और टीवी प्लेयर में उनको अच्छा से दिखाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सूचना होना चाहिए कि इसके लिए जो कंप्यूटर ओवरहेड प्रोजेक्टर या टीवी वीसीडी सीडी प्लेयर संयोजन जैसे प्रशिक्षण उपकरण के आधुनिक शिक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, सभी प्रशिक्षण केंद्र कार्यक्रम में उदाहरणपूर्वक को उपयोग किया जाता है। ठीक है, सभी जो ट्रेनिस रहते हैं उस ट्रेनिंग को अच्छे से समझाने के लिए उनको अच्छा से पूरा जीवन के माध्यम से दिखाने के लिए टीवी वीसीडी प्लेयर की जरूरत होता है, इसीलिए वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में इस सब को प्रोवाइड करना बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैनेजमेंट रेस्पॉन्स। ठीक है, मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स इसमें क्या होता है, हायर मैनेजमेंट मोस्ट इंडिकेट दे आर इंटरेस्ट इन इफेक्टिव ट्रेनिंग थ्रू रूटीन विजिट टू वीटीसी एंड गेटिंग सैंपल फीडबैक रिपोर्ट फॉर ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम फुल डे रिलीज सिस्टम इज टू बी अडोप्टेड विदाउट एनी एक्सटेंशन एग्जम्पशन। ये बोल रहा है हायर मैनेजमेंट का काम क्या रहेगा कि ये रहता है कि उनका बीटीसी के जो नियमित यंत्र होता है जो नमूना जो कि फीडबैक रिपोर्ट जो जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाई किए हैं उनका ट्रेनिंग का जो है फीडबैक वो लेंगे। ठीक है, वो कैसा क्या पढ़ाई किए हैं कैसा क्या क्या उन्होंने सीखे हैं ये सब का फीडबैक वो वहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट को प्राप्त करने के प्रभावी प्रशिक्षण में अपनी रुचि दर्शानी चाहिए। ठीक है, सभी प्रशिक्षण को कार्यक्रम के लिए बिना किसी अपेक्षा के पूरे दिन के रिलीज प्रणाली में अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, ये बोले फुल डे उनको जो मैनेजमेंट का जो रेस्पॉन्स होता है जो भी फीडबैक रहता है उनको अच्छे से आपको कलेक्ट करना है, उनका फीडबैक भी आपको लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। ठीक है, पोस्ट टेस्ट ये बोल रहे प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट टेस्ट सिस्टम टू बी इंट्रोड्यूस इन ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट प्रणाली की शुरू की जानी चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है सभी जो प्रशिक्षण जो कार्यक्रम होता है इसमें जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की प्रणाली को शुरू की जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस तरह का नेक्स्ट और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।